और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले का ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य का प्रसिद्ध चिरहुला हनुमान मंदिर भक्तों के लिए बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। किसी भी प्रकार का संकट आने पर लोग चिरहुला मंदिर पहुंचकर अपनी फरियाद लगाते हैं। खासकर सावन और गुरु पूर्णिमा में अच्छी खासी भीड़ लगती है। हालांकि हर मंगलवार और शनिवार के अलावा भी यहां श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, अपनी मन्नतें पूरी होने पर लोग भंडारे का भी आयोजन करवाते हैं। वहीं आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए कोई व्यवस्थित जगह ना होने के चलते विप्र सेवा संघ के पदाधिकारियों ने तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी के साथ मिलकर एक व्यवस्थित धर्मशाला का निर्माण का बीड़ा उठाया था। हालांकि इस दौरान कई जनप्रतिनिधि समाज सेवी पहुंचकर वाहवाही लूटे, लेकिन जब मदद की आवश्यकता आन पड़ी तो अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके चलते लगभग 50 लाख की लागत से बनने वाले वृहद धर्मशाला का निर्माण अब अधूरा पड़ा हुआ है। लंबे समय से काम बंद को देखकर जब हमारी टीम ने विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई भक्त और परिवार जो भंडारे का आयोजन करते हैं, इसके साथ ही अपने बच्चे बच्चियों का विवाह करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धर्मशाला बनाने का बीड़ा उठाया गया था, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। कई लोगों ने मदद की भी बात कही थी, लेकिन धीरे धीरे अपना हाथ खींचते चले गए और मदद न मिलने के कारण काम अधूरा है। हालांकि विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धर्मशाला निर्माण की जवाबदारी चिरहुलानाथ पर छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी कृपा होगी तो निश्चित ही शीघ्र निर्माण कार्य हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले और बात बात पर धर्म के नाम पर खून खराबा करने वालों को धर्मशाला के निर्माण में सहयोग करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है, जिसके चलते धर्मशाला अधूरा पड़ा है। आपको बता दें कि अपनी वोट की राजनीति के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर फिल्मी हस्तियों को बुलाकर नाच गाना करवाने वाले भी उक्त धर्मशाला के निर्माण में सहयोग के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला को कि उन्होंने क्या कहा है। चिरहुला मंदिर के सामने धर्मशाला का निर्माण चल रहा था, इस समय काम रुका हुआ है, क्या कारण है और अभी क्या आगे की योजना है? एक्चुअली आपको पता है कि विप्र सेवा संघ एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में काम करती है, और हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के चल रहे हैं, और हनुमान जी कृपा हुई तो हम लोगों के मन में एक धर्मशाला बनाने का ख्याल आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी गैदरिंग होती है, लोग बाहर खाना बनाते हैं, काफ़ी समस्याएँ पैदा होती हैं, तो हम लोगों से तो ये बन जाएगा तो एक समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो विप्र सेवा संघ के सदस्य रहेंगे उनको प्राथमिकता से मिलेगा, और इसमें जो रिवेन्यू प्राप्त होगा लगभग 6 से 7 लाख रुपए साल का प्राप्त होगा, वो पुजारियों के विकास में और मंदिर के विकास में लगाया जाएगा। तो इसको हमने 6-7 महीने पहले पूरा शुरू किया था इस कार्य को, और ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट में है। जैसा भी आपने इसको विजिट किया होगा तो इसमें कमरे भी बने हुए हैं, किचन भी है, वॉशिंग एरिया भी, बड़ा हॉल भी है, आगे एलिवेशन भी बनेगा। तो हनुमान जी के पास सारा काम ये चलता रहा, लेकिन थोड़ा सा इधर कुछ हमारे प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि सहयोग करेंगे, तो हम लोगों ने उनका वेट किया लेकिन सहयोग मिला नहीं, तो इसलिए काम बंद था। लेकिन अभी हम 2-3 दिन फिर से इसको शुरू करेंगे और जल्द ही इस धर्मशाला को कंप्लीट करके और मंदिर प्रशासन को सौंप देंगे। क्या लगता है कि धर्म के नाम पर बात करने वाले वोट मांगने वाले वोट मांगते हैं, धर्म के लिए खून खराबा कर देते हैं, नाचने वालों को बुलाना हो, अपने वोट के लिए मांगना हो, लाखों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन एक धर्म का काम आता है, इसमें संस्थाएं और जो दूसरी संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक, वो सामने नहीं आए, क्या मदद नहीं किया? एक्चुअली भैया इसमें क्या है, थोड़ा सा गलती हम अपनी भी मानते हैं, गलती ऐसी है कि हमने किसी से बोला नहीं, और हमारे जो पदाधिकारी हैं जैसे डॉक्टर आदित्य तिवारी जी, हमारे बड़े भैया शशि शुक्ला जी, हमारे छोटा भाई संजय शुक्ला, भागवत शुक्ला, डॉक्टर के परव जी हमारे संरक्षक हैं, ज्ञानवती अवस्थी जी और योगेश गौतम जी, ऐसे 10-12 लोग हमारे पदाधिकारियों ने एक सहयोग दिया था मुझे, लेकिन वो टोटल कास्ट का लगभग 10% ही सहयोग था। और हम तो उस विचारधारा से चलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो लोगों ने आश्वासन दिया आकर के, लेकिन किया नहीं, तो हमें कोई इसका दुख नहीं है, हनुमान जी काम पूरा हो जाएगा जी। क्या लगता है कि अभी आर्थिक संकट के कारण ही काम रुका हुआ, नहीं समय से लोगों को शादी विवाह के लिए उपलब्ध हो जाता, लोगों को सुविधाएं मिल रही है? हाँ भैया, थोड़ा सा आश्वासन में सबको लगता है कि अगर कहीं से हेल्प मिल रही है तो अच्छी बात है, थोड़ा हमें भी 3-4 महीने समय मेरा बर्बाद हो गया और चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये क्या चाहते हैं कि लोग, शहर के लोग, समाज सेवी, व्यापारी, राजनीतिक लोग सामने आए और हाथ बटाएं जिससे एक अच्छा धर्मशाला और गरीबों के लिए सुविधा हो जाए?
हाँ भैया, ये तो सभी के लिए है, ये पार्टी किसी एक समाज के लिए नहीं, भले हम लोग फंड लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें टोटल कास्टिंग लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आएगी, क्योंकि 3032 स्क्वायर फीट का एरिया है, आपने सारा विजिट किया है, तो निश्चित तौर पर ये सभी के समाज के लिए यूज में आएगा। तो जो लोग स्वेच्छा से धर्म विश्वास करते हो, सामाजिक सरोकारों में विश्वास करते हो, तो यदि उसमें वो स्वेच्छा से सहयोग करना चाहें तो कर सकते। जैसे अभी इसमें एलिवेशन का काम बाकी है, ग्रेनाइट लगाने का काम बाकी है, लाइटिंग काम बाकी है, दरवाजे खिड़की का काम बाकी है, पेंट पुट्टी का काम, मतलब फिनिशिंग का काम बाकी हुआ और अभी प्लास्टर तो अपना पूरा हो गया है। तो अगर ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं, हमें भी इसमें हनुमान जी के धर्म के काम में हाथ बटाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनको स्वागत है।